अमेठी से बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद स्मृति ईरानी पर लगाए गंभीर आरोप, गैस सिलेंडर दाल और सब्जी रखकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बढ़ती महंगाई के खिलाफ सांसद स्मृति ईरानी को घेरा, बीजेपी सरकार पर लगाए झूठे दावे करने के आरोप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दीपक सिंह, राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं दीपक सिंह। दीपक सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई नई सियासत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी जिले से आ रही है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीपक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दीपक सिंह ने मेज पर सिलेंडर दाल और सब्जियां रखकर लगातार बढ़ रही महंगाई का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। दीपक सिंह ने अमेठी में किए गए राहुल गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी के कामों का बखान किया और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेसी नेता ने सांसद स्मृति ईरानी पर आरोप लगाया है कि वो जिले को मिलने वाली परियोजनाओं को रोक रही हैं। इस प्रकार से होता है जैसे किसी किराना की दुकान में कोई किराना चलाने वाला कहे हमारे किराना के स्टोर में नून है, तेल है, मिर्चा है, मसाला है, चीनी है, 13 रुपए की चीनी है, चीनी है, अब हम उसमें बिस्किट भी बेचेंगे, तो ये हास्यास्पद बात होती है। उस किराना का अपमान होता है, किराना का जो ऐसा मालिक कहता है उसका अपमान होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अमेठी में आकर अपनी गरिमा को गिराया। राहुल गांधी की गन फैक्ट्री में 404 बोल की राइफल बनाने का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते गए, एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। यहाँ पर तमाम चैनलों के लोग बैठे हैं, दिलोई में 200 बेड की अस्पताल की बात कब की है, यहाँ पर बाकायदे 2015 की डेट पड़ी हुई है, 2012 की स्वीकृति की खबर लिखी हुई है, एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर है। जब ये खबर छपी थी तब वहां पर जमीन को लेकर बड़ा हैहावाली हुई थी, हालांकि आज जमीन उन्होंने अपने किसी मंत्री की जमीन को विकसित करने के लिए कुछ किया है। तो जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने की सुविधा है, 2009 में मनमोहन सरकार के नेतृत्व में फैसला हुआ था कि रेफरल मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान के प्रत्येक जनपद में बनेंगे वहां पर जहां पर 200 बेड के अस्पताल होंगे। क्योंकि ये नया जिला था, यहां पर जिला अस्पताल नहीं था, नया जिला होने के कारण इसलिए राहुल गांधी जी ने अस्पताल की नींव रखी थी, लेकिन आज भी उसको लेकर कुछ लोग जो आज विकास की झूठी यात्रा निकालते हैं, जो बेनामी विकास को विकास बताते हैं, उसको लेकर अपने पीठ थपाते हैं। FDDI शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संगठन है जो राहुल गांधी जी यहाँ लेकर आए थे। एशिया का पहला शिक्षण संस्थान राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अमेठी में राहुल गांधी जी ने स्थापित कराया था। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।